कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहां पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक दो दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलकर इन पांच सीटों पर पांच उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो हैं, कैंपेन कर रहे हैं। कल कटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अशोर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सर, कल नेशनल पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट ये हो गई कि संजय सिंह को बेल मिल गई, मतलब बेल अदालत से मिली, इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? बेल वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज द फर्स्ट ऑप्शन और बेल तो मिलना भी चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की जरूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई, और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए।